चॉटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना शो वाव चॉटिन। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है टूरा चाय वाला के प्रोड्यूसर आशीष शर्मा जी। तो हम स्वागत करते हैं आशीष शर्मा जी हमारा आपके शो। नमस्कार। पहले तो मैं आपके करियर लाइफ के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि आप क्या करते हैं, कैसे प्रोड्यूसर का ख्याल दिल में आया? देखिए, मैं एक तो भारतीय जनता पार्टी में मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में सह संयोजक हूँ प्रदेश का, और उसके साथ साथ राजेश अवस्थी जी जो फिल्म में एक्टर है, निर्माता है और डायरेक्टर का भी काम करते हैं, वो मेरे बचपन के साथी है, तो मैं उनके साथ लगातार शुरू से रहा हूँ। तो दिमाग में था ऐसा, और पिक्चरों के प्रति एक प्रकार का लगाव भी था, तो मैं भी चाहता था कि मैं भी पिक्चर में किसी प्रकार की मेरी भी एंट्री हो। तो अचानक राजेश जी से एक बार चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा पिक्चर बनाने का सोच रहे हैं अपन, इसमें क्या कर सकते। तो मैंने भी अपनी इच्छा बताई कि मैं भी इसमें मतलब कर सकता हूँ। तो फिर हम दोनों ने उसके मिलकर उसके ऊपर काम करना चालू किया और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिर आगे आया, और मैं भी पहली बार मतलब फिल्म निर्माण क्षेत्र में आया हूँ। आपके पास इतना अच्छा पद है, तो आपने राज्य के लिए क्या किया है? राज्य के लिए देखिए, हम लोग कला संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इस जो कला संस्कृति के माध्यम से हम रोज़गार दिला सके, या इसके माध्यम से जो कला संस्कृति के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं और समस्याग्रस्त हैं, उन लोगों को किस प्रकार से शासन से लाभ दिलाया जाए, उस क्षेत्र में हम सब लोग मिल के एक साथ काम करते हैं। हमारी प्रदेश में इकाई है, उसके अलावा ज़िले में भी हमारे ज़िले के संयोजक मिले हुए, तो सब माध्यम से, और उसके अलावा जो कलाकार हैं उनका सम्मान कैसे हो, इस दिशा में हम लोग सब काम करते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है हॉलीवुड में वो प्रोड्यूसर का ही होता है, क्योंकि उसके बिना एक फिल्म नहीं बन सकती है। आपने इतना बड़ा रिस्क कैसे उठाया? नहीं, रिस्क का विषय नहीं, क्योंकि लगातार मैं बचपन से मैं भी मूवी देखता आ रहा हूँ। ठीक है, फिल्म नहीं बनाया, लेकिन मूवी देखता हूँ मैं, और मूवी देखने से एक अंदाज हो जाता है। और चूंकि राजेश अवस्थी जी मेरे बचपन के साथी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो पिक्चर का मैंने स्टोरी देखा और इसमें सब चीज़ों को देखा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, वास्तव में इसमें काम किया जा सकता है और बिल्कुल इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत सारे नए प्रयोग किए हैं। दर्शकों के हिसाब से मूवी बनाने की कोशिश किया गया है, दर्शक जिसमें जो चीज़ चाहते हैं हम वो चीज़ उनको देने की कोशिश की है, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत सफल मूवी रहेगी। तो आगे भी आप प्रोड्यूसिंग का काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, एक बार आप कदम आगे बढ़ा चुके तो निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि अगली भी मूवी बनाऊं। और बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जिसको सोच समझ के भविष्य में मतलब फैसला लिया जाता है, लेकिन अभी जिस जगह में हम पहुंच चुके हैं, निश्चित तौर पर मैं अगला मूवी बनाना चाहूंगा। तो आप आगे भी प्रोड्यूसर का ही काम करना चाहते हैं कि किसी और किरदार में अपना वो? वैसे तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, प्रोड्यूसर में ही बहुत खुश हूँ, फिर आने वाला भविष्य बताएगा, बट लेकिन प्रोड्यूसर में ही ठीक हूँ मैं। तो इसी के साथ हमारा पहला राउंड आपके साथ खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे राउंड की तरफ, रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे 5 सवाल करूंगी और इसका जवाब आपको 5 सेकंड में ही देना होगा। ये थोड़ा फनी राउंड है, इसमें आपके करियर लाइफ से नहीं होगा, नॉर्मल जो पर्सनल लाइफ होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? फेवरेट हॉबी गाड़ी चलाना, घूमना। इस वक्त आपके जेब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कौन सी है? अभी तो फिलहाल मेरा जेब पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बैग में लेके चलता हूँ और मोबाइल है मेरे जेब में। सबसे प्यारा जगह जहाँ आप घूमना पसंद करते हो? सबसे प्यारा जगह बोलेंगे तो समुद्र के तट में मुझे ज़्यादा अच्छा है। फैमिली इम्पोर्टेंट है या काम? फैमिली इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो किस एक्ट्रेस को आप बहुत पसंद करते हैं बॉलीवुड? वैसे तो अभी तक कोई एक परमानेंट नहीं है, फिर भी ऐश्वर्या राय हो गई, रानी मुखर्जी है, इस टाइप की एक्ट्रेस लोग ज़्यादा पसंद है। तो अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और अंतिम राउंड की तरफ, जिसका नाम है पिक द चिट राउंड। पिक द चिट राउंड। इसमें आप एक चिट उठाएंगे और इसमें जो भी लिखा होगा वो आपको हमारे दर्शकों के लिए करना होगा। आपके लाइफ का कोई ऐसा पल जो आपको अंदर से मजबूत बनाया हो? हमारे दर्शकों को अपने जीवन का कोई ऐसा पल बताइए जो आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाया। अंदर से मजबूत बोलने के लिए तो बहुत सारे ऐसे पल आए हैं, लेकिन उसमें एक चयन कर पाना बहुत ही मुश्किल विषय है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ, और
जब मैं काम करने के लिए आगे निकला घर से, तो मेरे पिताजी की दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना हो गई थी, उस समय परिस्थिति एकदम विषम थी मेरी, है ना। फिर मैं उसी समय अपने आप में एक प्रतिज्ञा लिया कि मेरे को कुछ करना है, अपने लिए करना है और अपने परिवार के लिए करना है। तो मैं यही सोच के, यही ध्येय को लेके आगे बढ़ने का प्रयास किया और उस दिशा में मैं आगे बढ़ते भी जा रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं सफल हूँ अपने आप को, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। धन्यवाद आशीष जी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी कि आप, और ये आशा करूंगी कि आपका टूरा चाय वाला बहुत सफल हो, उसे बहुत तरक्की मिले। तो दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगी। फॉर एक्सक्लूसिव न्यूज कीप वॉचिंग छत्तीसगढ़'स फर्स्ट ऑनलाइन न्यूज चैनल एंड पोर्टल क्लिप्स.इन।